हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अन्नपूर्णा और आपका स्वागत है मेरे किचन में। आज मैं बनाने वाली हूं बहुत ही टेस्टी और ट्रेडिशनल डिश, अरबी या कोचे के पत्तों से कढ़ी। यह है अरबी के पत्ते, इसे कोचे के पत्ते भी कहते हैं। इसे मैं बनाने वाली हूं कढ़ी। इसके लिए मैंने लिया बेसन, तेल, दही, अलावा यह है हींग, बारीक कटा प्याज, धनिया पत्ती, हरी मिर्च, टमाटर, जीरा, नमक, मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, अदरक लहसुन का पेस्ट, करिया पत्ती और तड़का लगाने के लिए सूखी लाल मिर्च, जीरा और सरसों है। तड़का लगाना इसमें ऑप्शनल है। सबसे पहले मैंने अरबी के पत्तों को धो लिया है। धो के इसके पीछे से इसका डंडल काट रही हूँ। काट के मैंने साइड में रख रही हूँ। ये पत्तों का साइज़ थोड़ा छोटा है क्योंकि ये मेरे घर में उगे हैं। अगर आप मार्केट से खरीदोगे तो शायद साइज़ में थोड़ा सा बड़ा रहेगा। अब मैं इनको रख रही हूँ साइड में। अब मैं इसके लिए बना रही हूँ बेसन का बैटर। एक कटोरी मैंने बेसन लिया है लेके। अब मैं इसमें डाल रही हूँ हाफ स्पून नमक, हाफ स्पून हल्दी पाउडर, हाफ स्पून मिर्च पाउडर, हाफ स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका पतला बैटर बनाऊँगी। जिस तरीके से हम लोग भजिए के लिए बैटर बनाते हैं उसी तरीके से, बट उसे थोड़ा सा पतला पानी थोड़ा थोड़ा डाल के मैं बैटर बना रही हूँ इसका। हमें ना ही गाढ़ा बैटर बनाना है ना ही बहुत ज़्यादा पतला। अगर पतला बनाओगे तो पत्ते में लगेगा नहीं, अगर गाढ़ा बनाओगे तो पत्ते का ओरिजिनल फ्लेवर नहीं आएगा, बेसन का ज़्यादा टेस्ट आएगा। अब मैं पत्ते को ली हूँ, पत्ते को मैं पलट के रख रही हूँ। सीधे साइड से भी रख सकते हैं बट उल्टे साइड से रखने से बेसन का बैटर इसमें अच्छे से लगेगा। स्पून से बेसन उतने अच्छे से नहीं लग रहा है इसलिए मैं हाथ से लगा रही हूँ। पूरे पत्तों में हमें इस तरीके से बेसन का बैटर लगाना है। अब इसके ऊपर मैं एक और पत्ता रख रही हूँ, पत्ता जस्ट उसके अपोजिट साइड रख रही हूँ जैसा मैंने पहला रखा है, वो भी उल्टे साइड से ही रख के इसके ऊपर भी मैं बेसन का बैटर लगा रही हूँ। लगा के अब मैं इसके ऊपर एक और पत्ता लगाऊंगी। ये पत्ता आप चाहो तो इस तरीके से सीधा भी रख सकते हो बट मैं उल्टा रख रही हूँ जिस तरीके से पहला पत्ता रखे थे। अब मैं इसके ऊपर भी बेसन का बैटर लगा रही हूँ। ये पत्ते साइज़ में छोटे हैं इसलिए मैं चार पत्तों का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पत्ते साइज़ में बड़े रहेंगे तो आप दो या तीन पत्तों में भी बना सकते हैं। अब मैं इसको भी रख रही हूँ। रख के इसके ऊपर भी मैं सेम उसी तरीके से बेसन का बैटर लगा रही हूँ। इस तरीके से लगाने से जो इस पत्ते का हम लोग पकौड़ी बनाएंगे अरबी या कुचे के पत्ते का, उसका साइज़ थोड़ा बड़ा रहेगा और फोल्ड करने में आसानी होगी। अब मैं थोड़ा थोड़ा बेसन का बैटर लगाते हुए इसे फोल्ड कर रही हूँ। फोल्ड करके इसको मैं रखूँगी साइड में। साइड में रख के इसी तरीके से मैं सारे पत्ते में बेसन का बैटर लगा लूँगी। ये एक बन के रेडी है। अब मैं इसे रख रही हूँ साइड में। इसी तरीके से मैं बाकी के पत्तों में भी लगा रही हूँ। बाकी के पत्तों में भी सेम उसी तरीके से बेसन का बैटर लगाना है। अब मैंने एक कढ़ाई में पानी गर्म होने रख दिया है। हमारे पूरे पत्ते बनके रेडी है, थोड़ा सा बेसन का बैटर भी बच गया। अब मैंने एक छेद वाला बर्तन लिया है, छन्नी लिया है, आप कोई भी प्लेट ले सकते हैं जिसमें होल हो। अब मैं उसमें रख रही हूँ ये कोचे के पत्ते रख के। अब मैं इसे 10 मिनट के लिए स्टीम होने के लिए रख दूँगी। 10 मिनट बाद मैं चेक करूँगी। 10 मिनट हो गया है, आप देख सकते हैं ये काफ़ी अच्छे से पक गया है। मैं इसे एक बार पलट कर देख रही हूँ। पलट के देख रही हूँ तो नीचे से भी ये काफ़ी अच्छे से पक गया, ऊपर से भी पक गया है। अब मैं इसे ठंडा होने के लिए रख दूँगी। ठंडा हो गया है, अब मैं आपको दिखा देती हूँ। ये ठंडा होने से इस तरीके से हो जाएगा। अब मैं इसको निकाल रही हूँ प्लेट में। प्लेट में निकाल के अब मैं इसे करूँगी कटिंग। कटिंग करके अब हम इसे या तो डीप फ्राई करेंगे या शेलो फ्राई। यहाँ पे मैं डीप फ्राई कर रही हूँ। अगर आपको ज़्यादा ऑयली नहीं पसंद है तो आप इसे शेलो फ्राई भी कर सकते हो। इस तरीके से हमें सारे रोल्स को कटिंग कर लेने हैं। ये सारे कट हो गए, आप देख सकते हो अंदर से कितना सुंदर दिख रहा है। इसका साइज़ भी परफेक्ट है, ना ही ज़्यादा बड़ा ना ही ज़्यादा छोटा। अब मैंने तेल गर्म होने रख दिया है। तेल में कुचे के पत्तों के पकौड़े जिसे हमने स्टीम में पका लिया था उसे मैं फ्राई कर रही हूँ। ये एज ए स्नैक्स भी बहुत अच्छा लगता है। इस तरीके से तल के आप इसे टी टाइम स्नैक्स भी खा सकते हो या फिर बच्चों को ऐसे ही आप दे सकते हो, बहुत अच्छा लगता है। ये पत्ते इजीली मार्केट में अवेलेबल होते हैं। मैंने धीमी आंच पे इसे पलटते हुए गोल्डन ब्राउन होते तक फ्राई कर लिया। अब ये फ्राई हो गए हैं, मैं इसे निकाल के प्लेट में रख दे रही हूँ और सेम इसी तरीके से मैं बाकी सारे पकौड़ों को भी फ्राई कर लूँगी। ये कढ़ी बनती बहुत जल्दी है, बस ये पत्तों का जो प्रोसीजर है उसी में थोड़ा सा टाइम लगता है। अब मैंने इन्हें भी फ्राई कर लिया, फ्राई करके मैं इसे निकाल ले रही हूँ। ये पत्तों की कढ़ी टेस्टी तो रहती है, इसके बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं। अब जो हमारा बेसन का बैटर बच गया था उसमें मैंने डाला है एक कटोरी दही। दही डाल के मैं इसको अच्छे से फेंट रही हूँ। अगर आपका बेसन का बैटर नहीं बचा तो आप दही में एक स्पून बेसन डाल के उसे अच्छे से फेंट लेना। बेसन डालने से कढ़ी थोड़ी सी गाढ़ी बनेगी और
तेल में डालते साथ दही फटेगा नहीं। अब मैंने एक और पैन लिया है, पैन में 1.5 स्पून तेल डाला है, तेल जैसे गर्म हो गया उसमें मैंने डाला है जीरा, जीरा क्रैकल होने के बाद उसमें डाला है करिया पत्ती और हींग। उसके बाद अब मैं इसमें डाल रही हूँ बारीक कटा प्याज, डाल के मैं इसको अच्छे से भून रही हूँ। भुनने के बाद अब मैं इसमें डालूँगी बारीक कटी हरी मिर्च, हरी मिर्च डाल के भी हमें इसको अच्छे से भूनना है। भून के इसके बाद फिर मैं इसमें डालूँगी टमाटर, टमाटर इसमें बहुत ज़्यादा नहीं लगता है क्योंकि हम लोग दही डाल रहे हैं तो ऑटोमेटिकली ये खट्टा हो जाएगा, तो मैंने एक बारीक कटा टमाटर डाल के उसको भी अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ सूखे मसाले में हल्दी पाउडर और मिर्च पाउडर, बस इसके अलावा हमें और कुछ नहीं डालना है। मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अगर आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते हो तो आप थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो। अब मैं इसमें डाल रही हूँ हमारा दही और बेसन वाला घोल, डाल के अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी मिक्स करके डाल रही हूँ। ये दही को बनाते समय हमें इसकी जो ग्रेवी है वो पतली ही रखनी है, ज़्यादा गाढ़ी नहीं रखनी है क्योंकि इसमें बेसन डाला है, बेसन डाले है इससे थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा और पक के ठंडा होने के बाद थोड़ा सा और गाढ़ा हो जाएगा। अब मैंने इसमें पूरे 2.5 ग्लास पानी का इस्तेमाल किया है, 2.5 ग्लास पानी डाला है। अब उसके बाद मैंने इसमें नमक डाला है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना। उसके बाद ढक्कन लगा के मैं इसे 2-3 मिनट तक या तब तक जब तक कि हमारी कढ़ी अच्छे से पक नहीं जाती पका लेना है। कढ़ी अच्छे से पक गई है, 3 मिनट बाद मैं आपको दिखा रही हूँ, आप कढ़ी की कंसिस्टेंसी देख सकती है पतली है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ अरबी या कुचे के पत्ते के पकौड़े, कुचे के पत्ते के पकौड़े डालने के बाद हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, बस 1 मिनट तक पकने रख देना है, फिर उसके बाद गैस का फ्लेम ऑफ़ करना है। अब मैंने पकौड़े डाल दिए, डाल के मैं इसे मिक्स कर रही हूँ। अब मैं इसमें लगाने वाली हूँ तड़का, अगर आप तड़का नहीं लगाओगे तो बस आपकी कढ़ी बन गई है, पर मैं इसमें तड़का लगा रही हूँ, ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है। मैंने 1 स्पून तेल गर्म कर दिया, उसमें डाला है सूखी लाल मिर्च, उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ करिया पत्ती और हींग, डाल के ये तड़का मैं लगाऊंगी कढ़ी में। ये तड़का लगाने से कढ़ी का टेस्ट बहुत अच्छा लगेगा, इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छे से आएगा, हींग डालने से डाइजेशन भी बहुत अच्छा होगा। हमारा तड़का बन के रेडी है, अब मैं इसको डाल रही हूँ कढ़ी के ऊपर। अब मैंने ढक्कन लगा दिया है, अब ऊपर डाल रही हूँ बारीक कटा धनिया पत्ती। 1 मिनट बाद आप देख सकते हैं हमारी कढ़ी थोड़ी सी गाढ़ी हो गई है और बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी भी दिख रही है। आप इसे रोटी चावल किसी के भी साथ खाओ, सबके साथ बहुत ही टेस्टी लगेगा। आप भी ये कढ़ी बनाइए, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।